फ्रेंड्स, हमने अभी सारे नंबर्स का, रियल नंबर्स का रिवीजन किया. यस, अभी हम देखते हैं देयर आर टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो फर्स्ट वन इज यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड सेकेंड वन इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. नाउ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये नाम सुन के आपको थोड़ा सा लगेगा कि दिस इज समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, बट इट्स क्वाइट सिंपल. ये वही कंसेप्ट है जो हमने पहले पढ़ी हुई है, बस उसको नाम अलग दिया गया है. सो व्हाट इज मीन बाय लेमा? सो लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूव टू प्रूव द अनदर स्टेटमेंट. लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट. मतलब सपोज मैं एग्जांपल लेती हूं कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 10. सो इट्स ऑलरेडी प्रूवन दैट 2 इंटू 5 इज 10. सो वी कैन यूज इट फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट. दैट इज नथिंग बट लेमा. अभी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अभी सपोज मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ. मेरे पास 9 बिस्किट्स है. कितने बिस्किट्स है? 9 बिस्किट्स है. और ये 9 बिस्किट्स मुझे दो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. मुझे ये 9 बिस्किट्स दो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. तो हम कैसे करेंगे उसको? हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डिविजन करना पड़ेगा. सो देयर आर 9 बिस्किट्स एंड आई वॉन्ट टू डिवाइड दिस 9 बिस्किट्स अमंग 2 चिल्ड्रन. सो तो मैं क्या करूंगी? 9 को 2 से डिवाइड करूंगी. सो 2 4 आर 8. तो एक बच्चे को कितना बिस्किट्स मिलेगा? सो वन चाइल्ड विल गेट 4 बिस्किट्स. मतलब व्हाट इज हियर? 4 इज व्हाट? 4 इज क्वेश्चन. 4 इज क्वेश्चन. 2 इज डिवाइजर. 2 इज डिवाइजर. What is 9? 9 is dividend. 9 is dividend and 1 is remainder. Yes? So here 4 is quotient, 2 is dividend. Sorry, 9 is dividend, 1 is remainder and 2 is divisor. हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. 9 is equal to 2 into 4 plus 1. Yes, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. 2 into 4 means 8, 8 plus 1 is 9. अभी मैं आपको ये अलग तरीके से लिख के बताती हूँ जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. सो 9 इज व्हाट? 9 इज डिविडेंड. सो दिस डिविडेंड इज इक्वल टू व्हाट इज 2? 2 इज डिवाइजर. 4 is quotient plus 1. So what is 1? 1 is remainder. 1 is remainder. So हमने इसको क्या कैसे लिखा? Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Suppose ये मैंने numbers के format में लिखा है. यदि मैं इसको alphabets देती हूँ, अल्फाबेट्स के फॉर्मेट में लिखती हूं, तो व्हाट आई विल राइट? सपोज आई एम राइटिंग ए फॉर 9. सो व्हाट आई विल राइट? ए इज इक्वल टू, आई एम राइटिंग 2. फॉर 2 आई एम राइटिंग बी. सो बी. फॉर 4 व्हाट इज 4? 4 इज क्वेश्चन. सो आई एम राइटिंग क्यू हियर प्लस 1. व्हाट इज 1? 1 इज रिमाइंडर. सो आई एम राइटिंग आर हियर. Which can also be written as BQ plus R. So same thing hai, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder, jisko humne pehle numbers ke format mein likha, phir humne usko alphabet ke format mein likha. That is A is equal to BQ plus R. Yes friends, now what's the statement for Euclid's division lemma? So given positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r, where r is greater than or equal to 0 and x less than p. Means what? अभी दो integers है हमारे पास. हम लोगों ने क्या example लिया कि मेरे पास 9 biscuits है जो मुझे I want to distribute those 9 biscuits among 2 children. So
9 और 2 ये जो वैल्यूज है वो फिक्स है. अभी उसके लिए मुझे क्या मिल रहा है, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर. सो यदि मुझे 9 को 2 से डिवाइड करना है तो मुझे यूनिक उसके सॉल्यूशन मिलेंगे जिसके लिए क्यू और आर की जो वैल्यू होगी दैट विल बी यूनिक. सो व्हाट आई एम गेटिंग, वैल्यू ऑफ क्यू एज 4 एंड व्हाट्स द वैल्यू ऑफ आर दैट इज 1. एंड फॉर दैट वी हैव रिटन दैट कि फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर जो क्या सेटिस्फाई करते हैं, दे सेटिस्फाइड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट दैट इज ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे आर रिमाइंडर है और उसका वैल्यू जो रहेगा दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा और फिर इक्वल टू 0 होगा एंड इट विल बी लेस देन बी. तो यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पे रिमाइंडर आया है 1 दैट इज ग्रेटर देन 0 एंड इट्स लेस देन बी, यहाँ पे वैल्यू क्या है बी की, तो है 2. यस, अभी हम और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. सो सपोज यहाँ पे डिविडेंड है 14 एंड डिवाइजर है 6. सो 6 टू आर 12, तो यहाँ पे क्वेश्चन कितना आया 2 एंड रिमाइंडर इज 2. यहाँ पे भी हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होते हुए हमें दिखती है. सो यहाँ पे रिमाइंडर इज 2 विच इज ग्रेटर देन 0 एंड इट इज लेस देन बी. नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिविडेंड इज लेस कंपेयर टू द डिवाइजर. सो इन दिस केस क्वेश्चन इज कमिंग 0 एंड रिमाइंडर इज 5. हियर ऑल्सो दिस कंडीशन इज गेटिंग सेटिस्फाइड. नाउ अगेन वी आर टेकिंग 30 डिवाइडेड बाय 6. सो 6 5 आर 30. सो क्वेश्चन इज 5 एंड रिमाइंडर इज 0. सो इन ऑल दिस केसेस व्हाट वी कैन ऑब्जर्व, दिस कंडीशन इज गेटिंग सेटिस्फाइड. व्हाट इज दैट, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. यस फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. सो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज एन एप्लीकेशन ऑफ द यूक्लिड डिवीजन लेमा. इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ द यूक्लिड डिवीजन लेमा. सो व्हाट इज मीन बाय एप्लीकेशन, क्या आपको पता है एप्लीकेशन क्या होता है? सो एप्लीकेशन इज अ टेक्निक विच विल हेल्प अस टू फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है यूक्लिड डिवीजन लेमा का, सो इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, वी विल यूज इट टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो एल्गोरिथम इज एन एप्लीकेशन ऑफ द लेमा. सो व्हाट इज इन माई एल्गोरिथम, सो एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अस प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम. सो एल्गोरिथम क्या है, स्टेप्स है, दीज आर द स्टेप्स विच आर हेल्पिंग अस टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. यस, तो ये जो पर्टिकुलर एल्गोरिथम है दैट इज वन स्टेप अहेड ऑफ द लेमा एंड इट इज यूजफुल फॉर फाइंडिंग आउट एचसीएफ ऑफ वेरी लार्ज नंबर्स. तो हम क्या करेंगे, सो हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जिससे कि हमें क्लियर होगा कि व्हाट इज मीन बाय एल्गोरिथम. तो फ्रेंड्स हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे. व्हाट्स द एग्जाम्पल, टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 237 एंड 81 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमें इन दो नंबर्स का एचसीएफ ढूंढना है, राइट. सो एज वी नो दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा. तो पहले हम क्या करेंगे, इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्मेट में लिख लेंगे. सो व्हाट्स दैट फॉर्मेट, दैट इज ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. यस, सो इन दिस केस व्हाट्स द वैल्यू ऑफ ए, हियर 237 एंड बी इज 81. तो यहां पे हम क्या लेंगे, वी विल टेक ए एज 237 एंड वी विल टेक बी एज 81. अभी जैसे हम नॉर्मल डिवीजन करते आए हैं वैसे ही हमें डिवीजन करना है उसका. तो नाउ वी विल डिवाइड इट. सो 237 को हम 81 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, राइट. सो 81 टू क्या आते हैं, 81 टू आर, सो इट इज 162
सो रिमाइंडर विल बी 75, राइट। सो अभी हमें क्या मिला, हमें क्वेश्चन क्या मिला, सो क्वेश्चन हमें मिला 2 एंड रिमाइंडर इज 75, राइट। अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो भी आपका डिवाइजर होता है दैट डिवाइजर विल बिकम डिविडेंड इन द नेक्स्ट स्टेप एंड रिमाइंडर विल बिकम द डिवाइजर। तो हम देखते हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 81 को 75 से डिवाइड करना है, यस yes। तो अभी क्या हो जाएगा इसका कॉमन, अभी इस केस में व्हाट इज द डिविडेंड इन दिस केस, सो डिविडेंड इज 81 एंड व्हाट इज डिवाइजर हियर, सो डिवाइजर इज 75। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये जो डिवाइजर था दैट बिकम द डिविडेंड इन दिस स्टेप एंड दिस रिमाइंडर बिकम द डिवाइजर इन दिस नेक्स्ट स्टेप, राइट। नाउ वी विल डू नॉर्मल डिविजन, सो यहाँ पे क्या आएगा, 75 वन जार 75, सो व्हाट विल द रिमाइंडर, रिमाइंडर विल बी 6। तो हम इसको इस फॉर्मेट में फिर से लिखेंगे, बीक्यू प्लस आर के फॉर्मेट में। सो व्हाट इज द क्वेश्चन दैट वी गॉट, सो क्वेश्चन वी गॉट इज 1 एंड रिमाइंडर इज 6, फाइन। सो इन द थर्ड स्टेज आपको क्या करना है, सो आपको अभी ये जो डिवाइजर था दैट विल बिकम द डिविडेंड एंड रिमाइंडर विल बिकम द डिवाइजर। अभी आपको ये कब तक करना है, जब तक कि रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं आती तब तक आपको ये प्रोसीजर कंटिन्यू करना है, यस yes? तो अभी हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड 75 बाय 6, यस। सो इस केस में क्या हो जाएगा, हियर इट विल कम 12 एंड हियर इट विल बी 72, सो व्हाट विल बी द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 3 इन दिस केस, सो वी विल राइट इन दिस फॉर्मेट। सो इन दिस केस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिविडेंड, दैट इज 75, व्हाट इज डिवाइजर हियर, डिवाइजर इज 6, व्हाट्स द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज 12 एंड व्हाट्स द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 3, सो वी कैन राइट लाइक दिस, फाइन। अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, सो वी विल डिवाइड 6, वी विल डिवाइड 6 बाय 3, वी विल डिवाइड 6 बाय 3, व्हाई 3, बिकॉज वी नो दैट वॉट एवर द डिवाइजर इज देयर दैट विल बिकम द डिविडेंड एंड रिमाइंडर विल बिकम द डिवाइजर, राइट। सो वी नो दैट 3 टू आर 6, सो व्हाट वैल्यू वी गॉट, रिमाइंडर वी गॉट 0। फर्स्ट वी विल राइट डाउन इन दिस फॉर्मेट, सो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ डिविडेंड हियर, सो डिविडेंड इज 6, डिवाइजर इज 3, क्वेश्चन इज 2 एंड रिमाइंडर इज 0, सो हियर ऑल्सो वी कैन राइट लाइक दिस, यस। नाउ द स्टेप एट विच वी आर गेटिंग रिमाइंडर एज 0, द वैल्यू ऑफ डिवाइजर विल बी एस सी एफ ऑफ दैट ऑफ दोज पर्टिकुलर नंबर। जिस स्टेप में आपको रिमाइंडर की वैल्यू 0 मिलती है उस स्टेप में जो भी डिवाइजर रहेगा दैट विल बी नथिंग बट द एस सी एफ ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। सो इन दिस केस वॉट इज द एस सी एफ, सो एस सी एफ इज इक्वल टू 3, है ना, बहुत सिंपल, बहुत आसान है। तो ये नॉर्मल डिविजन करके हम अल्गोरिदम का यूज करके हम बहुत आसानी से हम काफी बड़े नंबर्स का भी एस सी एफ निकाल सकते हैं।